और दोस्तों, इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर में अभ्यास जो है वह हमें इस वीडियो में देखना है। ऊंची आवाज़ में पढ़िए ऐसा लिखा है, तो यहाँ एक के बाद दिया गया है क्ष। क्ष कौन कौन से शब्द में प्रयोग किए जाते हैं, तो उसके उदाहरण के तौर पर 3 शब्द यहाँ दिए गए हैं, रक्षक, रक्षा और पक्षी। तीनों में क्ष है, तो ये हमें ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। दूसरा है त्र। त्र का प्रयोग हुआ हो ऐसे 3 शब्द यहाँ दिए गए हैं, जैसे पत्र, नेत्र, पुत्र। और आगे हम देखते हैं तीसरा ज्ञ। गुजराती में हम इसे ज्ञ कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहना है? ज्ञ। उच्चारण उसका ज्ञ होना चाहिए हिंदी में। तो ज्ञ का प्रयोग जो 3 शब्द यहाँ दिए गए हैं उसमें होता है, जैसे कि आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा। तो तीनों में ज्ञ का प्रयोग हुआ है। चौथा है श्र। श्र शब्द का प्रयोग हुआ हो ऐसे 3 शब्द यहाँ दिए गए हैं, जैसे श्रम, परिश्रम, विश्राम। तो बच्चों, आई बात समझ में कि कैसे उच्चार हम कर सकते हैं।